सबसे आश्चर्यजनक तथ्य है नॉलेज कि जिन एटम से मिलकर ये पृथ्वी पर जीवन बना, कि जिन एटम से ये इंसानी शरीर बना, उन एटम्स को ट्रेस किया जा सकता है इनके शुरुआती दिनों तक। ये हल्के एलिमेंट्स भारी एलिमेंट्स बनने तक पक रहे थे। उनके मूल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और दबाव पर वो तारे, सबसे बाड़ी वाले, अपने आखिरी दिनों में अस्थिर हो गए, ढह गए, फिर विस्फोट हुआ। उनके ये भारी मूल पूरी आकाशगंगा में बिखरने लगे। ये मूल जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर सभी चीजें थी जो जीवन को बनाने के लिए जरूरी थी, ये गैस के बादल जब इकट्ठे हुए, इन्होंने तारों को जन्म दिया। तारे जिनके इर्द गिर्द ये ग्रह घूम रहे हैं, और अब इन ग्रहों में हर एक तत्व था जो लाइफ को बनाने के लिए जरूरी था। अब जब मैं रात को आकाश की तरफ देखता हूं, मुझे पता है कि मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। हम इस ब्रह्मांड में हैं, पर इन दोनों बातों से ज्यादा जरूरी है कि यह ब्रह्मांड हम में है। जब ये बात कोई सुनता है तो बहुत छोटा फील करने लगता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यूनिवर्स का साइज उनसे कितना बड़ा है। पर मैं बड़ा फील करता हूं, क्योंकि मेरे परमाणु जिनसे मैं बना हूं वे उन तारों से आए हैं। ये एक बंधन की तरह है, और यही चाहते हैं हम सब अपनी लाइफ में, जुड़े रहना, एक दूसरे जैसा रहना। सब चाहते हैं कि वे अपने आसपास की गतिविधियों में भागीदार बने रहें, और हम यही तो कर रहे हैं जिंदा रहकर।